सत्कारयोग मुख्य अध्यापक अध्यापक साहबान अते मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, ऐसा 2021 विच असीं 75वां आज़ादी दिवस मना रहे हाँ। मैं इस उत्ते तुहाडे नाल कुछ विचार सांझे करन लगी हाँ। हर मनुख नूं स्वतंत्र जीवन जीउण दी इच्छा रखदा है, गुलामी कोड़ है। मनुख अपनी स्वतंत्रता दा आनंद तां ही माण सकदा है जेकर वह स्वतंत्र देश दा नागरिक होवे। किसी भी गुलाम देश दा नागरिक वह पिंजरे विच बंद पंछी वांग हुंदा है जो खंभ तां फड़फड़ाउंदा है पर आसमान विच उच्ची अड़ारी नहीं मार सकता। जदों भारत गुलाम बनिया मैं उन्हां विचारां उपर चर्चा करन लगी हाँ। शुरू तो ही भारत विच अनेक हमलेवार आए तो उत्थों दे ही बन के रह गए, पर सब तो ज़्यादा बरतानवी सरकार दीआं नीतियां दा शिकार रहा। 1600 ईस्वी विच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करन दे मकसद नाल इत्थे आई। उस समय होर भी यूरोपीन कंपनियां आईयां। हौली हौली करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी राजनीति खेत्रां विच दखल दिता ते फिर बरतानवी सरकार ने उत्थों दी कमज़ोर सल्तनत नूं अपने हत्थां विच लै लिया। उन्हां दीआं बहुत सारीआं नीतियां लोकां दे हितां दे विरुद्ध सन ते लोकां ने इसदा विरोध भी कीता पर साढ़े अज की आज़ादी किसी एक दिन के संघर्ष का सिट्टा नहीं है। सानू इस नूं आज़ाद करने लई बहुत लंबा समा संघर्ष करना पिया। सब तो पहला भारत के वख-वख हिस्सों में 1857 का विद्रोह होया जिस नूं सैनिक विद्रोह अते भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के नाल जानिया जांदा है उस समय वो बहुत सारे अंदोलन होए जिमें कि ना मिलवर्तन अंदोलन, सिविल ना फरमानी अंदोलन अते भारत छड़ो अंदोलन इस आज़ादी नूं प्राप्त करने लई बहुत सारे देशभक्तां ने जेलां कट्टियां, तसीहे चले, फांसी ते चढ़े, आखिर शहीदां दा डुल्या खून रंग लिआया। अते वो पवित्र दिन भी आ गया जदों गुलामी दी रात गुजर गई अते आज़ादी दा सूरज चढ़िया। आखिर शहीदां दीआं कुरबानियां, साडा भारत 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद हो गया। जब डलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदल दी कौमां दी। धन्नवाद।